क्या तलाक के 3 महीने बाद ही नताशा ने कर लिया है मूव ऑन? हार्दिक पांड्या के बाद अब बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव को कर रही है डेट। क्या गत्से की मम्मी का जुड़ा नया लव एंगल? सोशल मीडिया पर दोनों को एक साथ देख लोगों ने खड़े कर दिए हैं सवाल। जी हाँ, E24 के कैमरे में कैद हुए नताशा और एल्विश के साथ दिखने के इस नजारे के बाद से ही यूजर्स ने इस तरह के तमाम सवालों की झड़ी इंटरनेट पर लगा दी है। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा को लेकर ये बातें गॉसिप्स के गलियारों का हिस्सा बनी है कि उनके यूट्यूबर एल्विश यादव के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। इतना ही नहीं, कई नेटिजेंस ने तो इसके तार हार्दिक पांड्या के बोर्डे से भी जोड़ दिए। लोगों ने कहा है कि नताशा ने अपने एक्स हस्बैंड को उनके जन्मदिन पर ही 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल फ्राइडे नाइट यानी कि 11 अक्टूबर को ही पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव को मुंबई में स्पॉट किया गया था। अपनी महंगी मर्सिडीज कार में एल्विश बी टाउन में कैप्चर हुए। व्हाइट टी शर्ट, फेडेड डेनिम जैकेट और ग्रे जीन्स में राव साहब को देखा गया। तो एल्विश की गाड़ी से उतरते ही उनके पीछे से नजर आती है मिस्टर पांड्या की एक्स बीवी नताशा। प्रिंटेड टॉप और ब्लैक ट्राउजर्स के साथ खुले बालों में नताशा को यहाँ कैप्चर किया गया था। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये देखा कि पेपराजी उन्हें कैप्चर कर रहे हैं तो वो सीधा वहाँ से अंदर चली गई। और तो और एल्विश भी पैप से इशारों में कहते दिखे कि उन्हें ज्यादा कैप्चर ना किया जाए। तो जैसे ही 32 साल की नताशा का 27 साल के एल्विश तंगे वीडियो सामने आया तो लोगों ने इस पर अपने अपने रिएक्शंस भी दे डाले। एक यूजर ने लिखा, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। एक शख्स ने तो उसका कनेक्शन हार्दिक से ही जोड़ दिया, पांड्या को मिला बर्थडे गिफ्ट। एक ने सवाल किया, क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? तो एक यूजर ने लिखा, भाई बर्थडे के दिन नहीं करना था। जाहिर है कि दोनों का यूं साथ देखना लोगों को हैरान कर गया है, जो कि बीते दिन यानी कि 11 अक्टूबर को ही हार्दिक पांड्या का जन्मदिन होता है। ऐसे में नताशा को यूं एल्विश के साथ देखना फैंस को कुछ हजम नहीं हुआ है। हालांकि वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स ने ये भी कहा है कि एल्विश और नताशा अपने सॉन्ग प्रमोशन के लिए साथ में मिले हैं और वो डेट नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि 18 जुलाई 2024 को ही नताशा और हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने अलग होने का ऐलान किया था। दोनों ने बेटे गत्से की पेरेंटिंग करने का फैसला भी फैंस को बताया था। ऐसे में कभी हार्दिक का नाम किसी और लड़की से जोड़ा जाता है तो कभी नताशा को उनके दोस्त अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ मस्ती करते देखा जाता है। इसके बाद से ही दोनों के तलाक को लेकर अलग अलग अफवाहें उड़ती रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों के तलाक की असली वजह पता नहीं चल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।